नमस्कार दर्शकों, आम आदमी पार्टी पुराना कार्यकर्ता ऋषिकेश मजदूर ने खास बातचीत की। देखे केएनएन न्यूज से। अंतागढ़ विधानसभा चुनाव को सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने कमर कस ली। आइए देखते हैं आम आदमी पार्टी पुराना कार्यकर्ता ऋषिकेश मुजुमदार क्या कुछ कहा। अभी हमें अंतागढ़ विधानसभा पखांजूर में, जहां हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी का सबसे पुराना अधिकारी कार्यकर्ता, तो आइए उनसे खास बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश मजुमदार, मैं वर्तमान में जिला संयुक्त सचिव हूँ आम आदमी पार्टी से। मेरा ज्वाइनिंग 2013 में अंतागढ़ विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया थे पार्टी जी। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाला है, जैसे कि 7 तारीख को चुनाव है और सभी पार्टी अपने कमर कस लिया है, तो जहाँ पर कल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए थे, आके बहुत कुछ वादा भी किए, जैसे कि खास करके छत्तीसगढ़ में धान का फसल ज़्यादा होता है और धान का रेट 2800 बोला है, जहाँ पर बीजेपी ने बोला है 3100 देगा। आपका पार्टी क्या बोला है? आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र नहीं देता है, आम आदमी पार्टी देखिए गारंटी पत्र देता है। इस गारंटी पत्र में आम आदमी पार्टी 3600 रुपये धान का रेट दिया है और लोन मुफ्त किया है। हर बैंक का लोन माफ़ किया जाएगा, भले वो 2.5 लाख हो या 5 लाख हो, किसान का जो कृषि लोन है वो माफ़ करेगा और 3600 रुपये धान का रेट दिया है। 25 क्विंटल धान खरीदेगा आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र में दिया है। 25 क्विंटल मतलब प्रति एकड़ 25 क्विंटल धान खरीदा जाएगा आम आदमी पार्टी का सरकार अगर बनती है छत्तीसगढ़ में जी। और क्या क्या मुद्दा है आम आदमी पार्टी? देखिए, 9 वादा यहीं पे लिखा हुआ है, 11 वादा टोटल किए हैं। जैसे कि रोजगार, आम आदमी पार्टी का सरकार बनता है तो छत्तीसगढ़ में 10 लाख लोगों को नौकरी दिया जाएगा, सरकारी नौकरी। आम आदमी पार्टी महिलाओं सम्मान राशि करके एक दिया है, 18 से 59 साल तक महिलाओं को 1000 करके सम्मान राशि दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी तीर्थ यात्रा, वयस्कों के लिए तीर्थ यात्रा में लेके जाएगा, वर्तमान में चल रहा है वो ठेका प्रथा बंद हो जाएगा। सरकारी नियुक्ति होगा, जैसे कि बिजली 300 यूनिट तक आम आदमी पार्टी फ्री देंगे, जो बकाया अभी वर्तमान में है वो मुफ्त हो जाएंगे। शिक्षा का गारंटी देता है, आप दिल्ली पंजाब में देखेंगे जो शिक्षा, उच्च स्तर का जो शिक्षा आम आदमी पार्टी देते हैं। और स्वास्थ्य का गारंटी देखेंगे, हमारे पखांजूर में वर्तमान जो हॉस्पिटल है इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कुछ है, रिफर सेंटर बन के रह गए हैं। आम आदमी पार्टी सर्वयुक्त सुविधा देंगे छत्तीसगढ़ में, भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़ करेंगे आम आदमी पार्टी। एक मिनट, जहाँ तक अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो भी सरकार आता है बोलता है कर्जा मुक्त करेंगे, कर्जा कई ऐसी सरकार कर्जा मुक्त नहीं करता, इस बारे में क्या क्या कर? देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी जो बोलता है वो करता है, एक इतिहास है, अरविंद केजरीवाल जो बोलता है वो करता है। आपने दिल्ली में देखे होंगे, पंजाब में देखे होंगे, पंजाब में आज 1.5 साल का सरकार है जो बोल के आए थे, लगभग 90% वादा पूरा कर लिया है। जैसे कि आज के डेट में देखेंगे सरकारी जो नौकरी थी, 60,000 सरकारी नौकरी दिए है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो बोलता है वो करता है। पिछले बार भी कांग्रेस पार्टी ने बोला कि कर्जा माफ करेंगे, अभी तक कर्जा माफ नहीं किया। इस बार भी कल बीते कल पखांजूर में मुख्यमंत्री आए थे भूपेश बघेल, आके बोला कि फिर से वही वादा कर्जा माफ, तो इस बारे में आपको क्या कहना है? इस बारे में देखिए, पिछले साल जैसे जुमला पार्टी है, जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी भाई भाई है, ये जुमला ही करते हैं। लोग महसूस कर चुके हैं कि क्या कर सकते हैं। पिछले बार भी वादा किया था 36 वादा, जिसमें से 12 वादा अभी तक पूरा नहीं किया। रही बात लोन माफ का, लोन माफ भी किए थे करने के लिए, कुछ कुछ बैंकों में देख देख के जो छोटा किसान है उसका लोन माफ़ किए है, और कुछ किसानों का ऐसा है माफ़ करने के बाद भी रिफंड लिया गया है बैंकों द्वारा। तो ये जो पार्टी लोन माफ़ करने की वादा करते हैं, हमें लगता है ये एक जुमला है। जैसे बीजेपी सरकार ने 2014 में बनने से पहले 15 लाख का एक जुमला दिए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी भी एक जुमला के सरकार रह चुकी है। क्या लगता है छत्तीसगढ़ में किससे सरकार आएगी? छत्तीसगढ़ में तो टक्कर देने वाले हैं आम आदमी पार्टी, पूरा 90 विधानसभा लड़ रहा है और मजबूती के साथ लड़ रहा है, तो सरकार आम आदमी पार्टी ही बनाएंगे। और इस बार अंतागढ़ का बात बोला जाए तो अंतागढ़ में भी टक्कर है, आम आदमी पार्टी यहीं से जीत रहा है जी। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मौजूद थे पखांजूर से ऋषिकेश मजुमदार, आम आदमी पार्टी के पुराना कार्यकर्ता। कैमरामैन हिमांशु मिस्त्री के साथ मैं हूँ शुभ पाइक, आप देख रहे हैं केएनएन न्यूज़। धन्यवाद।